ये मैं श्योरिटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो में आज तक जो भी आपको कंफ्यूजन होती थी कि कहाँ पे क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता इस चैप्टर में, वो आपकी एक एक कंफ्यूजन मैं निकाल के आपको यहाँ से भेजूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो स्टार्ट करते हैं मेटलर्जी। देखिए एक कहानी है, कहानी जमीन की कहानी है। मान लो ये जमीन है अपनी, ठीक है, ये नीचे है, पूरी धरती है, ये पूरी धरती है, और अपनी धरती में एक मेटल पाया जाता है जिसका नाम है एम। अब जो एम जो नाम का मेटल है वो ए फॉर्म में भी पाया जाता है, एम नाम का मेटल बी फॉर्म में भी पाया जाता है, एम नाम का मेटल सी फॉर्म में भी पाया जाता है, एम नाम का मेटल डी फॉर्म में भी पाया जाता है, ठीक है, डी फॉर्म में भी पाया जाता है। अब अगर मैं आऊं और आपको बोल दूं कि भाई इस मेटल को जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है एम है, इस मेटल को निकाल के बताओ, इस मेटल को जमीन से निकाल के दिखाओ, क्योंकि मुझे उसका यूज करना है, मुझे उसके गहने बनाने हैं, मुझे उसका ना ग्रिल बनाने हैं, गेट बनवाने हैं, कुछ भी करना है मेरे को उस मेटल का काम है। तो आप बोलोगे भाई ठीक है भाई निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपने एम ए को निकालने की कोशिश करी तो ये नहीं निकल पा रहा आपसे, ठीक है, नहीं निकला आपसे। आपने एम बी को निकालने की कोशिश करी तो ये आपका भाई बाहर निकल आया, ठीक है। और इसको निकालने में आपका खर्चा कितना आया, आपने कितना खर्चा किया, 10 रुपए का खर्चा कर दिया, ठीक है। एम सी को निकालने की कोशिश करी तो ये भी बाहर नहीं आया, एम डी को निकालने की, धरती से बाहर निकालने की कोशिश करी तो ये भी आ गया, बट यहां पे आपने कितना खर्चा कर दिया इसको निकालने में, 1 लाख रुपए का खर्चा कर दिया, 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब यहीं पे डेफिनेशन किसकी आती है, यहीं पे डेफिनेशन आती है किसकी, मिनरल की, मिनरल एंड ओर, मिनरल एंड ओर, यहीं पे दो डेफिनेशन हमें आती है। देखो मिनरल क्या होती है कि मेटल जिस भी फॉर्म में अर्थ में पाया जाता है वो मिनरल हो गई। तो जिस भी फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में भी पाया जा रहा है, इस फॉर्म में भी पाया जा रहा है, इस फॉर्म में भी, इस फॉर्म में भी, मतलब ए वाली फॉर्म भी हो जाएगी, है ना, एम की यानी मेटल की ए फॉर्म भी हो जाएगी, प्लस बी फॉर्म भी हो जाएगी, प्लस सी फॉर्म भी, प्लस डी फॉर्म भी, ये तो मिनरल हो गई। अपने को कोई मतलब नहीं है वो निकलता है या नहीं निकलता है, अपने को कोई मतलब नहीं है। तो और क्या होती है, और वो होती है कि जिससे एफिशिएंटली, है ना, मतलब अपनी जेब पे भी इतना खर्चा ना पड़े, एफिशिएंटली उसको, है ना, कि ऐसी मिनरल, मेरी जी फिसल गई थोड़ी, है ना, मेरी डेफिनेशन ध्यान से सुनो, ऐसी मिनरल जिससे मेटल को आसानी से निकाला जा सकता है और कम खर्चे पे निकाला जा सकता है, उस मिनरल को क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। अब ये भी मिनरल है, ये भी मिनरल है, ये भी मिनरल है, ये भी मिनरल है। अब इनमें से कौन सी है जिनमें से निकाला जा सकता है, तो ए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, और तो ए नहीं हो सकती, सी भी नहीं हो सकती। अब देखो यहां पे मान लो, मान लो इस मेटल की, है ना, मान लो ये मेटल है, इस मेटल की कीमत कितनी है, 100 रुपए है, इस मेटल की कीमत है 100 रुपए। अब 100 रुपए की मेटल निकालने में अगर आप 1 लाख का खर्चा कर दोगे तो कोई फायदा नहीं है भाई, इसको भी हम नहीं निकालेंगे, तो ये भी अपनी ओर नहीं है। तो 100 रुपए की मेटल निकालने में 10 रुपए का खर्चा करोगे तो ये एक बढ़िया डील है, ये सही डील है। तो इस वाली मिनरल से हम इस मेटल को निकाल सकते हैं, तो ये वाली मिनरल क्या हो जाएगी, ये वाली मिनरल अपनी ओर हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से मिनरल और की डेफिनेशन आप अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है। अब आपके सामने ये जो और दी हुई है अपनी एनसीईआरटी में, ये आपको हर हाल में याद होनी चाहिए, इसमें आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी, ये आपको हर हाल में याद होनी चाहिए। अब देखो अभी तक हमने क्या देखा कि ओर है ना, जो जमीन से अपने को निकालने हैं और इसी से अपने को क्या मिलती है, मेटल मिलेगी अपनी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ओर के साथ क्या होगी, ऐसा तो नहीं है ओर ही निकलाएगी, डायरेक्ट मेटल ही निकलाएगी, उसके साथ क्या होगी भाई, इम्प्योरिटीज भी आएंगी, उसके साथ इम्प्योरिटी भी आएंगी, तो ये टोटल चीज अपने पास आएगी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इम्प्योरिटी अपने को नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ ये चाहिए, है ना, सिर्फ मेटल ही अपने को निकालना है। तो भाई इस इम्प्योरिटी को कैसे रिमूव करें, इसको कैसे रिमूव करें, तो इम्प्योरिटी को बोला जाता है क्या, बोला जाता है गैंग, बोला जाता है इम्प्योरिटी को गैंग बोला जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम बाहर से कुछ ऐसी चीज डाल देते हैं, बाहर से कुछ ऐसी चीज डाल देते हैं जो इस गैंग को निकाल दे। तो बाहर से जो चीज हम डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। तो ये गैंग यानी इम्प्योरिटी, ये फ्लक्स के साथ ऐसे बाइंड कर जाएगी और बाइंड करके क्या बन जाएगा, स्लैग बन जाएगा, बाइंड करके स्लैग बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पे एक थोड़ी सी बात ध्यान से रखना, देखो मान लो गैंग जो है वो एसिडिक नेचर का है ना, एसिडिक नेचर का है, तो फ्लक्स हम कैसा डाल देंगे, बेसिक नेचर का डाल देंगे, है ना, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर जाएगा। और अगर ये बेसिक नेचर का है तो ये वाला हम फ्लक्स क्या डाल देंगे, एसिडिक डाल देंगे, आपस में रिएक्ट कर जाएगा। तो ये भी बात हमने एक देख ली,
ठीक है, अब चीजों को हम एक नए एंगल से देख लेते हैं, हम चीजों को एक नए एंगल से देख लेते हैं। देखो मान लो हमने ना जमीन से क्या है, जमीन से हमने ये ओर निकाल ली और ये ओर इतने बड़े बड़े पार्टिकल अपने पास निकल के आ गए, है ना। मान लो हमने जमीन की खुदाई की और जेसीबी से ऐसे निकाल ली और इतने बड़े बड़े अपने पास ये निकल के आ गए, और इसमें क्या है, मेटल कहीं छुपी हुई है। ये ब्लू कलर वाली दिखा देता हूँ, ये ब्लू कलर वाली इसमें मेटल है, ये इसमें ब्लू कलर वाली मेटल है, और जो ये रेड कलर वाली है ये एक तरीके से मिट्टी भी आएगी, है ना। मिट्टी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, इंप्योरिटी विम्प्योरिटी बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते मेटल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन बड़े बड़े है ना एक तरीके से पत्थर से आ गए हैं, इनको क्या करना पड़ेगा, क्रश करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो गई, ये अपने पास क्या थी, ओर थी, ये अपने पास क्या थी, ओर थी, ये ओर थी, ये भी ओर थी, ये भी ओर थी, तो ओर्स की हमने क्या कर दी, क्रशिंग कर दी, क्रशिंग ऑफ ओर्स। तो क्रशिंग जब करेंगे तो जाहिर सी बात है ये छोटे 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 है ना ऐसे पार्टिकल में टूट जाएगी, और इनके अंदर क्या है, ये अपनी मेटल छुपी हुई है। तो हमने क्रशिंग ऑफ ओर कर दी, ये अपनी मेटल छुपी हुई है, तो ये भी ओर है ना, पर ये छोटे छोटे हमने तोड़ दी, ऐसे ब्लू कलर वाली अपने पास मेटल छुपी हुई है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, मैंने बोला था ये रेड कलर की मिट्टी विट्टी है, ये रेड कलर की मिट्टी विट्टी लगी हुई है, तो मिट्टी विट्टी को साफ करना पड़ेगा, मिट्टी को क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। तो मिट्टी को जब हम साफ करेंगे तो अपने पास यहाँ ब्लू कलर वाला माल मसाला बच जाएगा। अभी मेटल नहीं मिली है, अभी मेटल मिलने में बहुत सारी प्रोसेस है, पर अभी अपने को मिट्टी विट्टी यहाँ पे साफ हो चुकी है। तो मिट्टी विट्टी को साफ कर दिया, मतलब हमने एक तरीके से कंसंट्रेशन कर दी है ओर की, ओर की कंसंट्रेशन मतलब अपने पास माल मसाला है, जो मेन माल मसाला है वो अपने पास मिल चुका है। तो इसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या फिर बोलो ड्रेसिंग ऑफ ओर, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। हमने मिट्टी विट्टी यहां से निकाल दी, मान लो पानी से धो दिया, या और भी मेथड होते हैं, आगे वो डिटेल में देखेंगे क्या क्या मेथड होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो ये अपने पास आई है, अब मान लो जिंक का एग्जांपल लेते हैं, अब जिंक यहाँ पे अपने पास आ चुका है, कैसे, मान लो कार्बोनेट की फॉर्म में भी हो सकता है, मान लो सल्फाइड की फॉर्म में भी हो सकता है ना, इस फॉर्म में यहाँ अपने पास ये अवेलेबल है, और अपने को अल्टीमेटली चाहिए क्या, अकेला मेटल चाहिए, यानी अपने को सिर्फ जिंक चाहिए। तो आप बोलोगे ठीक है भाई, ये कार्बोनेट और सल्फाइड को ये है हटा दीजिए, ठीक है भाई हटा देते हैं इनको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे इनको हटाने के लिए, जैसे कि ये जिंक कार्बोनेट है, जिंक सल्फाइड है, इनकी क्या करेंगे हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। अब ऑक्सीडेशन करेंगे तो चाहे ये कार्बोनेट है चाहे सल्फाइड है, क्या बन जाएगा, जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा, ये क्या बन गया, ऑक्सीडेशन से ऑक्साइड बन गया, ठीक है। अब यहां पे ये अपने पास ऑक्सीडेशन हो गई है ना, ऑक्सीजन है ना, अब ऑक्सीजन को यहां से रिमूव करना है, अपने को खाली क्या चाहिए, जिंक चाहिए। तो ऑक्सीजन को रिमूव करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई, रिडक्शन, है ना, ऑक्सीजन को निकालने की प्रोसेस को रिडक्शन हम बोलते हैं। तो ये स्टेप हो जाएगा अपना क्या है, रिडक्शन हो जाएगा, और अल्टीमेटली अपने को ये जिंक मिल जाएगी। फिर भी इसमें थोड़ी बहुत छोटी मोटी क्या है, इंप्योरिटी रह जाती है, और उस इंप्योरिटी को फाइनल अपना क्या स्टेप है, रिफाइनिंग, फाइनल क्या है, रिफाइनिंग है, रिफाइनिंग से प्योर, बिल्कुल प्योर अपने पास ये जिंक मिल जाएगी। अब आपको एक बात बोलनी चाहिए कि तुझे ये जिंक अगर चाहिए थी, तुझे ये जिंक अगर चाहिए थी तो डायरेक्ट इस कार्बोनेट को निकाल देता, डायरेक्ट इस सल्फर को निकाल देता, डायरेक्ट जिंक मिल जाती, तूने ऑक्सीडेशन क्यों की, पहले ऑक्सीडेशन की फिर रिडक्शन की, डायरेक्ट क्यों नहीं किया। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इनको डायरेक्ट ऐसे रिड्यूस करेंगे ना, तो बहुत क्या है ना, वो बोलते हैं ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होती है। और अगर हम इनका ऑक्साइड बना लेंगे पहले, फिर रिड्यूस करेंगे, तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाती है। तो यहां पे एक बार चीजें देख ली हमने क्या क्या किया, है ना, मैं स्टेप आपको गिनवा देता हूं, हमने क्या किया, पहला स्टेप हमने क्रशिंग की, ठीक है, फिर हमने दूसरा स्टेप क्या किया, कंसंट्रेशन की, है ना, ये इसमें क्या क्या होता है डिटेल में हम बात करेंगे, टेंशन मत लो, है ना, फिर हमने क्या किया, फिर हमने, है ना, तीसरा स्टेप हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन की, अब फोर्थ स्टेप हमने क्या किया, रिडक्शन की, और फिर हमने क्या किया यहाँ पे लास्ट स्टेप अपना पांचवा स्टेप रिफाइनिंग कर दी, है ना, ये अपने पांच स्टेप है, और यही अपने को पूरे चैप्टर में पढ़ना है। अब ये पांच स्टेप अपने को कैसे कैसे पढ़ना है, ये हम एक बार देख लेते हैं दोबारा से नए तरीके से। तो देखिए प्यारे दोस्तों, अभी अभी हमने पांच प्रोसेस देखी, और उन्हीं पांच प्रोसेस को मैं आपके सामने एक बार अलग तरीके से रिपीट करने वाला हूं। पहली प्रोसेस हमने देखी थी क्रशिंग ऑफ ओर, दूसरी थी कंसंट्रेशन ऑफ ओर, तीसरी कौन सी थी अपनी, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल ओर्स, फिर क्या है, हम रिडक्शन कर देंगे किसकी, ऑक्साइड्स की टू मेटल्स, ठीक है, और फाइव हमने क्या देखी थी, रिफाइनिंग देखी थी, ये हमने पांच प्रोसेस देखी थी, ठीक है। अब इन पांच प्रोसेस में होने क्या क्या वाला है वो हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। क्रशिंग ऑफ ओर में कुछ नहीं है, वो ये क्रश कर दिया सिंपल,
वाला खत्म है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन O4, इसमें क्या क्या आपने को करना है, देखो तो हम ये कंसंट्रेशन जो है ना, मतलब इसका मतलब है ना, एक तरीके से ड्रेसिंग कर रहे हैं उसकी, है ना, और की, ठीक है। तो ये हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक फिजिकल तरीके से कर सकते हैं, एक केमिकल तरीके से कर सकते हैं। अब फिजिकल तरीके से कौन से मेथड आएंगे अपने पास, एक ग्रेविटी सेपरेशन का मेथड है, एक हाइड्रोलिक वॉशिंग का मेथड है, एक फ्रोथ फ्लोटेशन का मेथड है। और केमिकल की बात करें तो केमिकल मेथड कौन सा हो जाएगा कंसंट्रेशन का, अपना लीचिंग वाला हो जाएगा, लीचिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर से वही है कि ये चैप्टर की ना ये ही मेन कंफ्यूजन है, कहां पे क्या था नाम ही नहीं अपने को पता होते, तो बेसिक ये फ्लो हमेशा याद रखना है तो चीजें दिमाग में एकदम क्लियर रहेंगी। नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन की बात करें, है ना, कि जो मेटल और है उनकी अपने को क्या करनी है, ऑक्सीडेशन करनी है। तो ऑक्सीडेशन करने के दो तरीके हैं, एक कैल्सिनेशन होता है, एक रोस्टिंग होता है, ठीक है। अब ये क्या क्या होते हैं मैं डिटेल में भी आगे बताऊंगा, कैल्सिनेशन क्या है, रोस्टिंग क्या है, लीचिंग क्या है, ये क्या है, ये क्या है, डिटेल में भी बात करेंगे, पर ये एक ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट हम रिडक्शन करेंगे, है ना, कि ये जो मेटल ऑक्साइड है ना, ये क्या है, मेटल और के हम ऑक्सीडेशन कर चुके हैं, मेटल के ऑक्साइड बन चुके हैं, अब उनको क्या है हमें रिड्यूस करना है, किसमें, अपने को फाइनली मेटल्स चाहिए, ठीक है। अब कैसे रिड्यूस करेंगे, तो उसके क्या क्या तरीके हैं, स्मेल्टिंग कर सकते हैं, रिडक्शन बाई H2 कर सकते हैं, रिडक्शन बाई मेटल्स कर सकते हैं, ऑटो रिडक्शन हो सकती है, ये रिडक्शन के मेथड है। नेक्स्ट हम रिफाइनिंग, है ना, लास्ट में क्या करेंगे कि थोड़ी बहुत इंप्योरिटी, थोड़ी बहुत जो बच गई है उसको भी बिल्कुल रिमूव कर देंगे और प्योर मेटल अपने को मिल जाएगा। तो रिफाइनिंग करेंगे और रिफाइनिंग में क्या क्या आ सकता है, लिक्विडेशन आ सकता है, डिस्टिलेशन आ सकता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हो सकती है, वेपर फेज रिफाइनिंग हो सकती है और जोन रिफाइनिंग हो सकती है, ठीक है। एक और होती है पर वो अपने +1 वाले क्या है ऑर्गेनिक में दी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है अपना पूरा ओवरव्यू, इसको दिमाग में छाप लीजिए कैसे कैसे है ना, ये नाम कंफ्यूज आपको कभी भी नहीं करने चाहिए कि कैल्सिनेशन कहां थी, रोस्टिंग कहां थी, लीचिंग कहां थी, स्मेल्टिंग कहां थी, लिक्विडेशन कहां थी, जोन रिफाइनिंग कहां थी, ये एक बार फिर से ध्यान से थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। अब हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, डिटेल में बात करते हैं, कैसे बात करेंगे, पहले कि ये फिजिकल में क्या क्या होता है, केमिकल में क्या क्या होता है, लीचिंग में क्या होता है, कैल्सिनेशन में क्या होता है, और रोस्टिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें इसमें इसमें, और फिर क्या है इसमें क्या, इसमें 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 इसमें, है ना, समझ गए ना, मेरी फीलिंग समझ गए, भावनाएं मेरी समझ गए हैं, अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, अब वही स्टेप आपने, ये अपना पहला स्टेप था, ठीक है, क्रशिंग ऑफ ओर, इसमें तो कुछ नहीं है, सिर्फ क्रश करना है ना। और सेकंड स्टेप अपना कौन सा था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब कंसंट्रेशन में हमने दो तरीके से देखे थे, एक फिजिकल मेथड देखा था, एक केमिकल देखा था। केमिकल वाले में क्या था, लीचिंग था, और फिजिकल वाले में क्या थे, तीन थे। पहला कौन सा था हमने देखा था, हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा क्या हो सकता है, मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा क्या हो सकता है, फ्रोथ फ्लोटेशन। तो बेसिकली इसमें अपने को करना क्या है, बेसिकली इसमें को करना क्या है, अपने को जो इम्प्योरिटी है, जो इम्प्योरिटी है उसको निकालना है। अब उसको कैसे निकाले इम्प्योरिटी को, ठीक है, तो सिंपल है, हाइड्रोलिक वॉशिंग, तो नाम से ही पता लग रहा है, वॉशिंग मतलब है ना सिंपल, क्या करना, इम्प्योरिटी है जैसे कि मिट्टी है, सिलिका है, उसको क्या है इम्प्योरिटी को धो दिया, मतलब है ना वॉश कर दिया, तो पानी के साथ इम्प्योरिटी बह जाएगी। अब नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। देखो इसमें तो होता तो मैग्नेटिक रोलर है, पर अपने को ना MCQ में मैग्नेटिक रोलर का तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, पर अपने को यहां पे समझना जरूर है कि इसमें होता क्या है। देखो इसमें होता क्या, मान लो ये ब्लू कलर की क्या थी, मेटल थी अपने पास, है ना, ये मेटल के पार्टिकल्स हैं, मेटल के, और इन मेटल्स के बीच ये ब्लैक कलर की क्या है, इंप्योरिटी है, ये ब्लैक कलर की क्या है, इंप्योरिटी है। अब हम क्या करते हैं, देखो जो ये ब्लू कलर की मेटल है, ये ब्लू कलर की मेटल है, ये कैसी प्रॉपर्टी है इसकी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, और जो ब्लैक कलर की इंप्योरिटी है वो कैसी है, वो कैसी है, नॉन मैग्नेटिक है, ये अपने पास चीज बन के आई, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है कि जो इम्प्योरिटी है वो मैग्नेटिक हो और जो ब्लू कलर की अपनी मेटल है ना, इसमें जो दिखाया वो नॉन मैग्नेटिक हो, उल्टा भी हो सकता है इसके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बेसिक जो आइडिया है देसी भाषा में बताता हूं, मान लो यहां पे चुंबक लगा देते हैं, यहां पे हमने ये क्या लगा दी, मैग्नेट लगा दी, मैग्नेट लगा दी, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें ब्लू कलर वाली मेटल में क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो ये मैग्नेट से चिपक जाएगी, ये मैग्नेट से चिपक जाएगी, और इम्प्योरिटी ब्लैक कलर वाली नॉन मैग्नेटिक है, वो उससे अलग हो जाएगी, ठीक है। तो यही प्रिंसिपल हम यूज करते हैं मैग्नेटिक रोलर में, ठीक है, यही बेसिक प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, जो हमने यहाँ पे खिचड़ी खिंडा दी है, खिंडा दी समझते हो आप, नॉर्थ इंडियन तो समझ ही जाते होंगे, है ना, गिरा दी है मतलब फैला दी है, मतलब समझ गए ना, ठीक है। अब तीसरा अपना मेथड क्या है, तीसरा क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन। देखो फ्रोथ का मतलब क्या होता है, झाग बना दी, है ना, मैंने यहां पे लिखा है झाग का खेल चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, झाग का खेल चल रहा है। होगा क्या, देखो अब देखो इसको देसी भाषा में समझते हैं। देखो मान लो ये एक ऐसे कंटेनर बना देते हैं, ठीक है, अब देखो मान लो ये ब्लू कलर की क्या थी, अपनी मेटल थी, ब्लू कलर की मेटल थी, और मेटल में ये ब्लैक कलर की क्या है, इंप्योरिटीज है, तो इसको पूरे माल मसाले को हमने डाल दिया, इसमें डाल दिया,
ठीक है। और इसमें हमने क्या डाल दिया भाई, और इसमें हमने डाल दिया पानी, डाल दिया वाटर, डाल दिया, और इसमें हमने क्या डाल दिया, और हमने इसमें ऑयल डाल दिया, तेल डाल दिया, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो चुकी हैं, सारी चीजें यहाँ पे डल जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। अब हम इसको क्या है, एक तरीके से वो देखा है ना आपने कि दही है और दही में हम वो है ना मधानी चला देते हैं तो घी ऊपर आ जाता है और लस्सी नीचे रह जाती है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे होगा है ना। मान लो ये मेटल के पार्टिकल है, मेटल के पार्टिकल को कौन है, ये ऑयल है, तेल है, ये इनको वेट कर देगा, ठीक है। इंप्योरिटीज हैं वो अलग हो जाएंगी, ठीक है। और इसको हम तेज घुमा देंगे तो झाग बनेंगे, झाग बनेंगे तो झाग के साथ क्या है, ये जो अपना मेटल है, ये जो अपना मेटल है, अबे ब्लू कलर आ जा बेटा, ठीक है, ये मेटल है, इस तरीके से ऊपर आ जाएगा, झाग के साथ ऊपर आ जाएगा, और उस झाग को हम क्या है निकाल लेंगे, रिमूव कर लेंगे, और अपनी मेटल्स उसमें आ जाएंगी और इम्प्योरिटीज बेचारी बेचारी इस पानी में रह जाएंगी, ठीक है। तो ये झाग बनाना है अपने को, यही है फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है। और यहां पे एक बात लिखी गई है, क्या है कि फ्रोथ जो ये झाग बनेगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम रिमूव करने लगे और वो जो बुलबुले बने थे, झाग बना था वो ना फूट गए बुलबुले और दोबारा से वो काम अपना खराब हो गया, तो ये जो झाग है इसको स्टेबल करना पड़ता है, फ्रोथ यानी झाग को स्टेबल करना पड़ेगा। और इसको स्टेबल करने के लिए है ना जैसे कि क्रिजोल, एनिलीन, इनका यूज किया जाता है। तो ये था अपना फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है। तो हम फिजिकल मेथड देख चुके हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, केमिकल मेथड देखने वाले हैं, जिसमें अपने क्या आएगी, लीचिंग आएगी। केमिकल मेथड में क्या है अपने को पढ़नी है, लीचिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ और क्या है, केमिकल मेथड पढ़ने जा रहे हैं। तो यहां पे लीचिंग में हम किस किस के साथ खेलेंगे, एल्यूमिनियम के साथ, गोल्ड के साथ एंड सिल्वर के साथ खेलेंगे, ठीक है। देखो कंसेप्ट क्या है, देखो कंसेप्ट क्या, वही कंसेप्ट है, अपने पास ओर थी विद इंप्योरिटीज है ना, मेटल्स के साथ इंप्योरिटी थी, अपने को इंप्योरिटी को निकालना है। तो निकालेंगे कैसे, यहां पे लीचिंग एजेंट का यूज करेंगे है ना, लीचिंग है तो लीचिंग एजेंट का यूज करेंगे। अब ये लीचिंग एजेंट करेगा क्या, ये क्या करेगा, ये इस ओर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, जबकि ये इंप्योरिटी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अब ये इस ओर के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये एक सोल्यूबल सोल्यूबल चीज बना देता है, मतलब जो उसमें घुल जाएगी, ठीक है। और इंप्योरिटीज जो है ना, अलग कलर ले लेता हूं, जो ये इंप्योरिटी है ये इनसोल्यूबल रह जाएगी। अब ये सोल्यूबल है, ये इनसोल्यूबल है, तो आप इजिली इनको छान लीजिए, आपका सिस्टम अलग अलग हो जाएगा, आपके पास अपनी ओर आ चुकी होगी, ठीक है। तो अभी अभी हमने बात की, इसको एल्यूमिनियम के लिए, गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए यूज किया जाता है। अब एल्यूमिनियम के लिए कैसे कैसे है, रिएक्शन कैसे कैसे दी हुई है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। देखो एल्यूमिनियम की कौन सी और होती है ना, एक मान लो ये रेड बॉक्साइट है और एक क्या है, व्हाइट बॉक्साइट है। अब रेड बॉक्साइट के अंदर जो इंप्योरिटी होती है वो क्या होती है, Fe2O3 की इंप्योरिटी होती है, और व्हाइट बॉक्साइट के अंदर जो इंप्योरिटी होती है वो क्या है, सिलिका की यानी SiO2 की इंप्योरिटी होती है, ठीक है। अब यहां पे बोला गया है कि रेड बॉक्साइट के अंदर है ना ये इंप्योरिटी है, तो इसको निकालने के लिए जो लीचिंग एजेंट है, La मतलब लीचिंग एजेंट है, वो क्या क्या यूज किए जा सकते हैं, वो NaOH भी यूज किया जा सकता है और Na2CO3 भी यूज किया जा सकता है। पूरा खेल समझ रहे हो ना, रेड बॉक्साइट में ये वाली इंप्योरिटी है, इसको निकालने के लिए दो तरीके के, ये पहला लीचिंग एजेंट यूज कर सकते हैं हम, ये भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हमने NaOH यूज किया है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, क्या बेयर्स प्रोसेस बोल देंगे, और Na2CO3 वाली को हॉल्स प्रोसेस बोल देंगे। और इधर जो इंप्योरिटी क्या है, सिलिका की इंप्योरिटी है व्हाइट बॉक्साइट में, तो इसको रिमूव करने के लिए लीचिंग एजेंट जो है वो कार्बन प्लस नाइट्रोजन, ये यूज किया जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोल दिया जाता है, सरपेक्स प्रोसेस बोल दिया जाता है। ये पूरा एल्यूमिनियम का खेल चल रहा है। एल्यूमिनियम में थोड़ा सा ऐसे है, नाम अपने को याद करना पड़ता है, गोल्ड और सिल्वर में कुछ नहीं है, इतना सिंपल है कि गोल्ड और सिल्वर में लीचिंग एजेंट जो यूज किया जाता है वो क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ NaCN एंड KCN, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ NaCN एंड KCN, ठीक है। अब अपनी स्टेप्स वाली चीज एक बार फिर से याद करो है ना, पहला स्टेप था अपना, फिर दूसरा स्टेप कंसंट्रेशन वाला था ना, पहले में हमने क्या किया था, क्रशिंग की थी, दूसरे में कंसंट्रेशन की थी, और तीसरे में अपने को क्या करना था, ऑक्सीडेशन करना था है ना, और फोर्थ में अपने को क्या करना था, रिडक्शन करना था, और फिफ्थ में अपने को रिफाइनिंग करनी थी। तो पहला हम कर चुके हैं, दूसरा हम कर चुके हैं, दूसरे में हमने किया ना फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड है ना, केमिकल में हमने लीचिंग तक हम कर चुके हैं। अब आया अपना तीसरा स्टेप आ चुका है, ये अपना तीसरा स्टेप आ चुका है जिसमें में हम ऑक्सीडेशन करने वाले हैं मेटल की, ठीक है, ऑक्सीडेशन करने वाले हैं। अब ऑक्सीडेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक हम कैल्सिनेशन कर सकते हैं, एक हम रोस्टिंग कर सकते हैं। अब कैल्सिनेशन में क्या होता है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो लिमिटेड होती है ना, अगर ये वर्ड लिखा जाए अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो भी ठीक माना जा सकता है, बट लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ये सही रहेगा, ठीक है। अब रोस्टिंग की बात करें तो इसमें बहुत सारी ऑक्सीजन या फिर एयर भी लिखा सकता है ना, ऑक्सीजन की जगह एयर भी आ जाए तो वो एक ही बात है, लगभग वो सिमिलर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रोस्टिंग में क्या
क्या होगी, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होगी और कैल्सिलेशन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन की है ना कम सप्लाई होगी, लिमिटेड सप्लाई होगी, है ना। तो ये रिएक्शन कुछ दी हुई है ना, ये रिएक्शन कुछ दी हुई है, क्या है हमने ऑक्सीडेशन कर दी है मेटल ओर की। देखो ऑक्सीडेशन कर दी यानी जिंक का ऑक्साइड बन गया, ऑक्सीडेशन कर दी यानी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन चुका है। यहाँ पे क्या है ऑक्सीडेशन कर दी जिंक का ऑक्साइड, ये PbO, ठीक है। वो तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन दिखाई गई है और वहां पे नहीं दिखाई गई क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऑक्सीजन है। तो ये तीसरा स्टेप भी हुआ, ठीक है। और फोर्थ स्टेप अपना क्या कहता है रिडक्शन। फोर्थ स्टेप क्या कहता है कि जो ये ऑक्साइड बन चुके हैं अब इनका अपने को क्या करना है, रिडक्शन करना है। और रिडक्शन से फाइनली अपने को क्या मिलता है, मेटल मिलता है। फिर भी मेटल में थोड़ी बहुत वो रह जाती है इंप्योरिटी, फिर हम फाइनली उसकी रिफाइनिंग करेंगे और प्योर मेटल अपने पास आ जाएगा, ठीक है। अब रिडक्शन में अपने को क्या क्या करना था, याद करो, स्मेल्टिंग कर सकते हैं, रिडक्शन बाई H2, रिडक्शन बाई मेटल्स, सेल्फ रिडक्शन, ठीक है। तो स्मेल्टिंग में क्या होता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है वो कौन होता है, कार्बन होता है। और रिडक्शन बाई H2 किसके केस में की जाती है, निकल के केस में की जाती है। और रिडक्शन बाई मेटल्स क्या है ना, देखो मेटल्स के ऑक्साइड को मेटल्स ही क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं ना। तो एक ये नाम याद रखना, अंग्रेजी मेरी थोड़ी कमजोर है, गोल्ड शीड कुछ भी बोल लो इसको, समझ गए ना आप, एल्यूमिनोथर्माइड। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम यूज किया जाता है, ठीक है। और सेल्फ रिडक्शन क्या है, जो HgNPB, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का खेल चल रहा है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे हैं मतलब वो रिड्यूस हो जाएंगे, खुद ही रिड्यूस होना खुश करेंगे, पसंद करेंगे, ठीक है। तो वही है सेल्फ रिडक्शन है, ठीक है। अब लास्ट अपना क्या आता है, रिफाइनिंग आता है। अब इसमें क्या क्या है अपने पास, डिस्टिलेशन है, लिक्वेशन है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, जोन रिफाइनिंग है, वेपर फेज रिफाइनिंग। अब डिस्टिलेशन किसकी की जाती है, तो जिन मेटल्स का क्या है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उनकी डिस्टिलेशन की जाती है, जैसे कि जिंक हो गया, मरकरी हो गया। लिक्वेशन किसकी की जाएगी, जिन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है, यहाँ पे क्या था बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे कि टीन हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक किसकी की जाती है, कॉपर और जिंक की जाती है, यहां पे मैं 10 स्टार लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉपर एंड जिंक अपना, ठीक है। जोन रिफाइनिंग किसकी की जाती है, देखो सिलिकन हो गया, बोरोन हो गया, गैलियम हो गया, जर्मेनियम हो गया। अब आप याद कीजिए, क्या हम इनको सेमीकंडक्टर में पढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर में, तो याद रखना सेमीकंडक्टर का लेना देना है, तो जोन रिफाइनिंग में आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम वेपर फेज रिफाइनिंग की बात करें, वेपर फेज रिफाइनिंग, तो इसमें क्या क्या आएगा अपने पास, मोन्स प्रोसेस आएगी एंड वेन आर्कल मेथड आएगा। अब ये बहुत पूछा जाता है, यहां पे 50 स्टार लिख देता हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मोड्स प्रोसेस में कौन था, किसका लेना देना था, निकल का लेना देना था, और वेन आर्कल में जिंक या फिर टाइटेनियम का लेना देना होता है। अब देखो अब हम क्या करने वाले हैं, देखो हमने बेसिक स्टेप देख लिया कि है ना, कि पूरे चैप्टर में ये ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अब अपनी NCERT में क्या दिया हुआ है, कुछ ऐसे मेटल हैं, 2-3 ऐसे मेटल हैं जिनके बारे में ना पूरा अलग से दी हुई है कि इनको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाएगा, है ना, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। जैसे कि आयरन के बारे में अलग से दिया हुआ है, और किसके बारे में दिया हुआ है, कॉपर के बारे में अलग से दिया हुआ है, और जिंक के बारे में अलग से दिया हुआ है। तो अब हम इन तीनों के बारे में देखने वाले हैं। देखो जिंक के बारे में तो एक ही लाइन है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, इनके बारे में थोड़ा अच्छा खासा दिया हुआ है, तो इनको देख लेते हैं, ठीक है। दिक्कत नहीं आएगी, मैं है ना गारंटी देता हूं, दिक्कत नहीं आएगी, आपके माइंड में फिट करा के भेज दूंगा क्या है कैसे है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले किसके साथ, आयरन के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर हम करेंगे कॉपर, और जिंक की तो लाइन ही एक दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एलिंगम डायग्राम भी उसके बाद हम फिर थोड़ा देख लेंगे कि उसमें से एक दो बातें ही निकल के आती हैं, इतना कुछ नहीं है, ठीक है, फिर हम वो देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम किसके साथ, आयरन के साथ। अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करने वाले हैं, हम आयरन की एक्सट्रैक्शन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी एक्सट्रैक्शन किस में होती है, तो एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टिंग फर्नेस, ठीक है। तो उसमें होता है आयरन का सारा काम, है ना, इसमें भयंकर तरीके से आग लगा दी जाती है, तो टेम्परेचर इसमें बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब यहां मुद्दे की बात है कि ब्लास्टिंग फर्नेस में क्या होता है, कैसे होता है, आयरन की एक्सट्रैक्शन कैसे की जाती है, उसको कैसे समझना है। देखो यहां पे अपने पास आयरन क्या है, आयरन कैसे है अपने पास, ये है Fe2O3 है, ठीक है। अब इसमें इम्प्योरिटी है ना, ये इसमें यहाँ पे आयरन है अपने पास, अल्टीमेटली अपने को चाहिए क्या, Fe यानी आयरन अपने को मेटल चाहिए, तो ये ऐसे है, और इसमें इम्प्योरिटी किसकी है, सिलिका की इसमें इम्प्योरिटी है ऐसे, ठीक है। तो फाइनली अपने को ये Fe चाहिए, आयरन चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये पूरा माल मसाला प्लस क्या है कार्बन, हम लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है,
ठीक है। तो ये तीन चीजें, पहली चीज ये हो गई, पहली चीज ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। तो अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को किस में डाल देंगे, इन तीनों को किस में डाल देंगे, ब्लास्टिंग फर्नेंस में डाल देंगे। वहां पे जोन बनेंगे, अलग अलग जोन बनेंगे, मैं आपको उनके नाम अभी अब बता दूंगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमने किस में डाल दी, अब ब्लास्टिंग फर्नेंस में डाल दी, ठीक है। अब होता क्या है, जो ये कैल्शियम है ना, देखो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये किस में टूट जाएगा, ये किस में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में, ठीक है। तो यहां अपने पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड बन चुका है, ठीक है। और यहां अपने पास क्या है, देखो ये Fe2O3 है, प्लस क्या है, इम्प्योरिटी क्या है, SiO2 है ना। अभी कार्बन को होल्ड पे रख दीजिए। अब देखिए यहां पे ये इम्प्योरिटी है, हमें इसको रिमूव करना था, निकालना था, और यहां पे क्या बन चुका है, ये कैल्शियम ऑक्साइड बन चुका है। तो ये दोनों आपस में मिलके, अब याद आया मैं वो बता रहा था स्लैग बनता है, गैंग स्लैग, वो याद आया, तो वही कंसेप्ट है यहां पे, ठीक है। ये इम्प्योरिटी थी, ये क्या थी, इम्प्योरिटी थी, ठीक है। और ये इसके साथ मिलके अब क्या बन जाएगा, ये इसके साथ मिलके क्या बन जाएगा, स्लैग बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। हमने ये वाली इंप्योरिटी को क्या है, रिमूव कर दिया है। अब अपने पास क्या है, ये बचा है, सिर्फ अपने पास Fe2O3 बचा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे हम, पहले क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और फिर हम आयरन को, ये जो आयरन छुपा हुआ है यहाँ पे है ना बदमाश, इसको निकाल लेंगे, ठीक है। अब रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करने की पावर किसमें है, यहां अपने पास कार्बन में पावर है। अब कार्बन की पावर कैसे आएगी, देखो जो ये कार्बन है, जो ये कार्बन है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और क्या बना देगा, क्या बना देगा, CO2 बना देगा, ये क्या बना देगा, CO2 बना देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कोई कार्बन है ना, और भी तो कार्बन है, वही कार्बन थोड़ी था, खत्म थोड़ी हुआ है। तो ये कार्बन कोई है, इस वाली CO2 के साथ, इस वाली CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा भाई, देख लो बैलेंस कर लो, क्या बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। तो यहां अल्टीमेटली क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड अपने पास बन चुकी है, और यही कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, एक तरीके से रिडक्शन का काम करती है, रिडक्शन का काम करती है, किसकी रिडक्शन होगी, अब यही कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगी, इस Fe2O3 को रिड्यूस करेगी। कैसे रिड्यूस करेगी, कैसे रिड्यूस करेगी, देखो Fe2O3 था अपने पास, मैंने क्या बोला, कार्बन मोनोऑक्साइड इसको क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी, पहले किसमें रिड्यूस कर देगी, Fe3O4 में रिड्यूस कर देगी, ठीक है। अब इसको फिर से आप क्या करिए है ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को ब्लू कलर से कर देता हूं, फिर से इसको कार्बन मोनोऑक्साइड अगर कर देंगे, फिर से इसकी रिडक्शन हो जाएगी, किसमें हो जाएगी, FeO में इसकी रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पे इसको फिर से आप क्या करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिड्यूस कर देंगे, तो ये अल्टीमेटली अपना क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली अपने को आयरन मिल जाएगा, और आयरन ही अपने को चाहिए था, आयरन ही अपने को चाहिए था। अब ये कहां पे बना है, अपना कहां पे बना है, ये आयरन ब्लास्टिंग फर्नेंस में बना है ये आयरन। अब ब्लास्टिंग फर्नेंस से जो ये आयरन निकलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पिग आयरन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पिग आयरन बोलते हैं। और पिग आयरन में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, 4% होती है। अब इस पिग आयरन से हमें क्या प्राप्त हो सकता है, क्या मिल सकता है, इस पिग आयरन से हमें मिल सकता है कास्ट आयरन, इससे मिल सकता है कास्ट आयरन, जिसमें कार्बन की परसेंटेज रहेगी 3%। और इस कास्ट आयरन से हमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन मिल जाएगी, इधर है ना, कि इनमें से सबसे प्योर जो होगा वो होगा रोट आयरन, रोट या रोट कुछ भी बोलो, अंग्रेजी आपको मेरे भी पता ही है कितनी खतरनाक है। तो ये बन जाएगा अपना रोट आयरन, ठीक है। तो समझ गए, ब्लास्टिंग फर्नेंस से अपने को क्या मिला था, ये वाला आयरन मिला था, जिसको पिग आयरन बोल रहे हैं, पिग आयरन से हमें कास्ट आयरन मिला और फिर रोट आयरन मिला, ठीक है। अब यहां पे जोन देखते हैं, जोन कैसे कैसे बनेंगे, देखो जोन कैसे कैसे बनेंगे, देखो अब जोन समझते, देखो यहां पे रिएक्शन, देखो जो ये रिएक्शन हुई थी ना, ये कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी और CO2 की फॉर्मेशन हुई, CO2 की फॉर्मेशन हुई, इसको हम बोलते हैं जोन, जोन ऑफ कंबस्टन, जोन ऑफ कंबस्टन ये वाला हो गया, ठीक है। अब यहां पे जहां पे अपनी ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनी थी, जिसमें जिस रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड अपनी बनी है, ये क्या हो गया, जोन ऑफ हीट अब्सॉर्प्शन, जोन ऑफ हीट अब्सॉर्प्शन ये वाला जोन हो गया, ये जोन ऑफ कंबस्टन ये वाला हो गया जोन ऑफ हीट अब्सॉर्प्शन, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये पूरे में हम क्या कर रहे थे, रिडक्शन ही तो कर रहे थे, ये पूरे में हम क्या कर रहे थे, रिडक्शन कर रहे थे, रिडक्शन किसकी हेल्प से, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड से हम क्या कर रहे थे, यहां पे रिडक्शन कर रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा, जोन ऑफ,
जोन ऑफ रिडक्शन हो जाएगा। तो ये सारे जोन भी हमने देख लिए, सारी रिएक्शन भी हमने देख ली, किस तरीके से क्या क्या हुआ है ना, मेरे ख्याल से आपके दिमाग में थोड़ा सा बैठा होगा। ये अपने आयरन की बात हो गई, अब किसकी बात करेंगे, अब हमें किसकी बात करनी पड़ेगी, कॉपर की बात करनी पड़ेगी कि कॉपर का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो देखो बेसिक स्टेप तो हम पहले फॉलो कर लेंगे कि है ना, कॉपर को हम क्या कर देंगे, पहला स्टेप था ना उन्होंने क्रश कर दिया, दूसरे स्टेप में क्या था अपना, मान लो वो फ्रोथ फ्लोटेशन पड़ा था, फ्रोथ फ्लोटेशन कर दिया, फिर आगे हमें क्या है तीसरे स्टेप में क्या करनी थी, ऑक्सीडेशन करनी थी, तो हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। अब ऑक्सीडेशन में अपने पास दो चीजें आई थी, कैल्सिनेशन आई थी, रोस्टिंग आई थी, ठीक है। अब यहां पे अपने को क्या करने हैं, हम कौन से स्टेप तक पहुंच चुके हैं, हम कौन से स्टेप तक पहुंच चुके हैं, रोस्टिंग तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। और रोस्टिंग तक अपने पास कैसे अवेलेबल है कॉपर, हमारे पास अवेलेबल है इस तरीके से, कुछ अवेलेबल है इस तरीके से। टेंशन मतलब मेरे को याद नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरह हूं ना, याद नहीं है, सामने मैंने पेज रखा हुआ है, उस पर लिख रखा है, रिएक्शन वहां से देख रहा हूं, सच बोल रहा हूं मेरे को याद ही नहीं है, ठीक है। कहीं सोचो ये रिएक्शन कैसे लिख रहा है, ठीक है, पर ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपके दिमाग में फिट करा के भेजूंगा, वो है मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। अब देखो यहां पे अपने को करनी है रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता था, हमने देखा था कि ऑक्सीजन की है ना, ऑक्सीजन की अच्छी खासी सप्लाई होती थी, और ये है अपने को ऑक्सीजन दिख रही है। अब रोस्टिंग के रिजल्ट से बनना क्या चाहिए था, टेक्निकली बनना क्या चाहिए था रोस्टिंग के रिजल्ट से, है ना, ऑक्सीडेशन की है तो मेटल का क्या बनना चाहिए था, ऑक्साइड बनना चाहिए था, पर यहां पे ये कॉपर वाले में थोड़ा गेम हो जाता है ना, ऑक्साइड नहीं बनता है, कुछ और ही बन जाता है। क्या बन जाता है, कुछ ऐसी चीजें बन जाती है, जैसे Cu2S बन जाता है, FeS बन जाता है, और क्या है SO2, है ना, इस तरीके की चीजें बन जाती है। बनना क्या चाहिए था, कॉपर का ऑक्साइड बनना चाहिए था, पर ये बन गया। अब यहां पे जो ये चीजें दिखाई दे रही हैं, ये चीजें दिखाई दे रही हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉपर मैट बोल लो या मैटे बोल लो, कुछ भी बोल लो, अंग्रेजी आपको मेरी पता है, कॉपर मैटे इस चीज को बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है, हम कॉपर का है ना, कॉपर का एक्सट्रैक्शन करने जाते हैं तो कॉपर ही ज्यादा होगी, है ना, कॉपर वाला ये चीज ज्यादा होगी, और आयरन वाली क्या होगी, कम होगी, ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि निकालना तो अपने को कॉपर है ना, तो कॉपर में ही तो हाथ मारेंगे हम, आयरन तो उसके साथ है, बस ऐसे ही बिना बात पे आ चुका है, ठीक है। अब ये चीज बन गई, अब इसमें से अपना टारगेट क्या है कि भाई साहब इस कॉपर को निकाले कैसे इसमें से, तो यहां पे एक चीज आती है जिसका नाम है बेसमराइजेशन। इसका नाम क्या है यार, राइटिंग के लिए थोड़ा माफ कर देना, साथ साथ लिखने में ना राइटिंग मेरी बेकार ही आती है, बेसमराइजेशन। अब बेसमराइजेशन में क्या करेंगे, हम हॉट एयर का यूज करेंगे। अब हॉट एयर है, एयर है यानी इसमें ऑक्सीजन रही होगी, ठीक है। अब एयर है तो ऑक्सीजन रही होगी, अब क्या करेंगे, देखो इसके साथ भी हमें ऑक्सीजन की रिएक्शन करवानी है ना, दो चीजें ना अपने साथ, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। तो एक है अपने पास Cu2S, एक है अपने पास Fe2S, ठीक है। तो दोनों की रिएक्शन हम क्या करते हैं, ये बेसमराइजेशन हॉट एयर है, ऑक्सीजन के साथ भाई साहब करा देते हैं, ठीक है। अब इससे अपने को क्या मिलेगा, Cu2O है ना, ये मिलेगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी ना, और कोई रिएक्शन तो पॉसिबल बन नहीं रही है ना, यही रिएक्शन बन रही है ना, ये कॉपर यहाँ ऑक्सीजन के साथ आ गया, सल्फर ऑक्सीजन को लेके इधर निकल गया, ठीक है। इधर क्या बनेगा, सेम तरीके से बना दो है ना, आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस क्या है ना, वही निकल देगी, गैस तो एक ही निकल सकती है, पॉसिबिलिटी ही एक बन रही है, ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड इधर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहां पे इसमें जो इम्प्योरिटी होती थी है ना, ये पूरे में इम्प्योरिटी भी तो थी, इम्प्योरिटी किस चीज की थी, सिलिका की इसमें इम्प्योरिटी थी। अब ये सिलिका जो SiO2 है वो किसके साथ इसके साथ बाइंड कर जाएगी, और ये क्या बन जाएगा अपना, फाइनली FeSiO3। तो ये अपनी सिलिका यानी इम्प्योरिटी भी निकल गई, ये अपना आयरन भी निकल गया, अब अपने पास क्या है ये कॉपर का ऑक्साइड है, और थोड़ा बहुत ये ना, ये खत्म नहीं हुआ, ये भी होगा ना, अपने पास दो चीजें हैं, एक ये अवेलेबल है, एक ये अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं, दोनों की रिएक्शन करवा देते हैं, और इस रिएक्शन पे नीट में क्वेश्चन पूछा भी गया, ठीक है। तो ये है ना, ये अपने पास सल्फाइड है, और ये क्या है, ये ऑक्साइड है। अब इनकी रिएक्शन करवाने से अपने को फाइनली क्या बनेगा, अब कॉपर मिल जाएगा, और इधर बच क्या गया, पॉसिबिलिटी ही एक बन रही है सल्फर डाइऑक्साइड की। तो ये अपने को फाइनली कॉपर मेटल मिल गया, और इसको क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको चीजें थोड़ी सी दिमाग में बैठी होंगी, चीजें समझ में आई होंगी, है ना।
नेक्स्ट हम जिंक की बात करने वाले। मैंने बोला था ना आयरन, कॉपर एंड जिंक, और मैंने एक बात और बोली थी जिंक के बारे में, एनसीईआरटी में चेक कर लो, कुछ खास लिखा ही नहीं हुआ है, कुछ खास लिखा ही नहीं हुआ है। बस एक बात लिखी गई है कि जिंक की एक्सट्रैक्शन में जो रिडक्शन के लिए यूज होता है वो किसका यूज होता है, कार्बन का यूज होता है, कार्बन या फिर क्या बोलो कोक बोलो, कार्बन या फिर कोक, है ना। रिएक्शन कैसे बन जाएगी, रिडक्शन हम ऑक्साइड की तो करेंगे, तो जिंक का ऑक्साइड है तो उसके कार्बन के साथ रिडक्शन कर देंगे तो ये अपने पास जिंक मिल जाएगा, ये जिंक मिल जाएगा, ये अपने को अल्टीमेटली चाहिए था, ये जिंक मिल गया। ठीक है, ये अपना था पूरा चैप्टर, है ना। एलिंगम डायग्राम एक बार थोड़ा देख लेते हैं, है ना, उसमें एक दो ही बातें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, फिर अपना चैप्टर अब फिनिश है। अब देखो ये है अपना एलिंगम डायग्राम, इसमें दो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, पहली बात तो क्या है कि ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ ही है ये, है ना, क्या है ग्राफ, एक इसके बीच में है डेल्टा जी एंड टेम्परेचर के बीच में है, ये पहली बात होगी। दूसरी बात क्या है, देखो यहां पे देखो ऐसे चल रहा था, मान लो ये लाइन ऐसे चल रही थी, ऐसे चल, है ना, स्ट्रेट लाइन चल रही थी, फिर एकदम से इसमें ऐसे चेंज आ गया ना, एकदम से चेंज आ गया। अब जो ये एकदम से चेंज आने वाले पॉइंट है ये क्या दिखा रहे हैं कि एकदम से चेंज कि या तो मेल्टिंग पॉइंट होगा या क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, या तो वो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, ये एकदम से चेंज वो दिखा रहे हैं, जैसे यहां पे ये एकदम से चेंज अपने को दिखाई दे रहा है। तो ये एक बात हो गई जो हमें ध्यान में रखनी है। अब आती है इस ग्राफ की सबसे जरूरी बात, सबसे जरूरी बात आती है, देखो वो क्या बोलती है, देखो जो मेटल नीचे है ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मेटल नीचे है वो ऊपर वाले मेटल के ऑक्साइड को क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए, यहां पे कौन सा है नीचे मेटल, आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं बता देता हूं, यहां पे मैग्नीशियम है और ऊपर क्या है एल्यूमिनियम है, और ये क्या है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। तो क्या बोलता है, जो मेटल नीचे है यानी मैग्नीशियम जो है वो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। देखो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मैं लिख देता हूं यहां पे Al2O3, ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, और नीचे कौन सा मेटल था अपना, मैग्नीशियम था। बैलेंस आप करते रहना, है ना, बैलेंस आप करते रहना। तो मैंने क्या बोला, जो मेटल नीचे है जैसे कि उसमें क्या है मैग्नीशियम नीचे है एल्यूमिनियम ऊपर है, वो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, यानी खुद ऑक्साइड बना लेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा और एल्यूमिनियम क्या है, रिड्यूस हो जाएगा। ये अपने को बात ध्यान में रखनी है। तो ये चैप्टर भी हमने क्या किया, अपना फिनिश किया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।